गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ मैथ वर्कशीट, फाइनल टर्म की वर्कशीट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखिए, इन्होंने कहा है कि एक जो सर्कल है, एक सर्कल है, इसकी डायमीटर मैंने आपको बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जो सर्कल को दोनों साइड टच करती है और जो सर्कल को दोनों साइड टच करती है और मिडिल पॉइंट से होकर जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। और कॉर्ड क्या होती है, जो सर्कल की, सर्कल को कहीं पर भी दोनों साइड टच करें, जरूरी नहीं है कि वो मिडिल पॉइंट से होकर जाएं, ठीक है। तो क्या है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सेकेंड, अ कर्व हूज एंड पॉइंट कंसाइड इज कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व। देखो, उन्होंने कहा है एक कर्व मतलब आकृति या वक्र, जो जिसके पॉइंट जुड़े हुए हो, ठीक है, मतलब बंद हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। थर्ड, डायमीटर ऑफ अ सर्कल, तो देखिए डायमीटर ऑफ अ सर्कल मतलब एक सर्कल की डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into radius, ठीक है। फोर्थ है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 2 centimeter, इट्स डायमीटर इज, इन्होंने बोला एक सर्कल की रेडियस क्या है, 2 centimeter, और हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस। तो देखिए, डायमीटर फाइंड करना है और रेडियस हमारे पास है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 into radius, रेडियस की प्लेस पर 2 centimeter हमने और रख दिया, 2 2 जा 4 centimeter का आ गया आंसर। फिफ्थ, द प्राइज एट विच अ मैन वाइज हिज गुड्स इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइज। देखिए, इन्होंने बोला है कि वह प्राइस जिस पर कोई, जिस पर हम या फिर कोई भी व्यक्ति किसी सामान को खरीदता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। सिक्स, 35.9 into 10, 35.9 into 10, देखिए 35.9 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 10 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर हम पॉइंट कहाँ रख देंगे, 1 number काउंट करके, ये हमने पॉइंट रख दिया। सेम ईयर 1.003 में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 1.0030, फिर हम बैक साइड से 3 number काउंट करके पॉइंट रख देंगे, 1 2 3 पॉइंट, क्लियर। 9.1 में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, 91, पॉइंट में 0 लिखना ज़रूरी नहीं होता, क्या होगा, 91, 5.4 into 100, देखिए अब 5.4 में हम 100 से, या फिर हम 54 में 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 5400, क्या हो जाएगा, 5400, ठीक है। और हम बैक साइड से पॉइंट को काउंट करके रख देंगे, तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से आएगा, तो ये पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो हम उसे हटा देंगे। 7.25 into blank = 725, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 7.25 एंड यहाँ पे पॉइंट ही नहीं है, 725 आ गया, मतलब कितने पॉइंट, 2 number से पॉइंट हमें हटाना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 मतलब 100। अब देखिए 6000 divide 1, हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर आएगा, इसलिए हम 6000 को भी 1 से डिवाइड करेंगे तो 6000 ही आएगा। नेक्स्ट 12, ठीक है, 12 में क्या, 12890 को हमें 0 से मल्टीप्लाई करना है, और 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, 0 ही आएगा, 600 और 400 का मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24, 20 ये और 20 ये, ठीक है। वर्कशीट नंबर हमारी 1
कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 2 हम कल करेंगे. ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय.